ओम शांति, आप सबको स्वागत है आपके ही यूट्यूब चैनल सी द सुधर ट्रुथ लाइज विदिन में। और आज हम बहुत ही लकी हैं कि आज हमें शिवबुरी पार्क नाइटिंगेल पार्क में सूरज सामने है और हम सुबह सुबह इस रिकॉर्डिंग को कर पा रहे हैं। बहुत ही सुंदर जगह ये दार्जिलिंग में, बिल्कुल हमारे घर के पास ही, जो कि 2-3 कदम दूर है। यहाँ पर आकर के हम जितना हो सके ट्राई करेंगे आपको सुंदर सुंदर नज़ारे भी दिखाएं, कंचनजंगा भी दिखाएं और बहुत सुंदर रिकॉर्डिंग्स करें परमात्मा के ज्ञान की। सो परमपिता परमात्मा कहते हैं, आज के वर्तमान में देखें इसको, परमात्मा चाहते हैं कि हम जो भी हमने अभी तक वरदान सुने हैं उनको हम हर दिन के वरदान को बहुत गहराई से सोचें। हर वरदान एक बीज जैसा है और उस बीज को अगर हम ज्ञान रूपी बीज को अपने मन में डाल दिया, फिर उसको ऊपर से पानी भी दिया, पानी देना मतलब कि आप याद रख रहे हैं, ख्याल कर रहे हैं उस पौधे का, तो ये जो बीज है, ज्ञान का बीज का जो पौधा उगने वाला है, उसको भी आप पानी दे रहे हैं, आप याद रख रहे हैं ताकि आपको सारी गहराई मिले, फूल पत्ते निकले उससे। तो एक बीज डाला ब्लेसिंग का, फिर उसके बारे में और गहराई से सोचा। या तो आप व्यर्थ सोच सकते हैं या तो फिर आप समर्थ सोच सकते हैं। तो अगर आपने व्यर्थ सोचा तो उसका भी पौधा उग गया, अगर आपने समर्थ सोचा तो उसका भी पौधा उग गया। तो ये जो आप देख रहे हैं पार्क में कितने सारे फूल हैं, कितने सारे प्लांट्स हैं, लेकिन अगर माली इसमें अगर पानी ना दे और सूरज की किरण ना हो तो जाकर के पौधे वहीं के वहीं रह जाते हैं, जिसको कहते हैं स्टंटेड ग्रोथ, या वो आगे बढ़ नहीं पाते हैं, या तो फिर कोई ना कोई सीड मर ही जाता है। तो देखिए परमात्मा विस्तार में कहते क्या हैं इसको। बाबा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, बाप द्वारा, बाप मतलब पिता परमात्मा द्वारा मिले हुए वरदानों को समय पर कार्य में लगाकर फलीभूत बनाने वाले वरदानी मूरत भवा। फलीभूत होना चाहिए। वरदान सुना एक कान से और भूल गए, दिन भर अपने बिजी रह गए और फिर याद नहीं आया, क्या कनरस बन गया, सिर्फ यहाँ से सुना वहाँ से वो निकल गया, लेकिन अंदर जाए, यहाँ पे थोड़ी देर रुके, यहाँ क्या है, बुद्धि है, आत्मा है, अंदर मनन चिंतन चले और उसके बाद में जा कर के वो गहराई से अंदर बीज फलीभूत हो। तो परमात्मा कहते हैं, बाप दादा द्वारा जो भी वरदान मिलते हैं उन्हें समय पर कार्य में लगाओ, तो वरदान कायम रहेगा। सपोज कोई सिचुएशन आए आपके सामने और आप ट्राई कर रहे हैं कि आप अपने बच्चे को, अपने हस्बैंड को या अपने पति को आप चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा ने उस दिन आपको वरदान में सुना दिया कि बच्चे, हर आत्मा का अपना पार्ट है, हर आत्मा के अपने हैबिट्स हैं, उनको आप ज़बरदस्ती चेंज नहीं कर सकते हो। और आपने उस समय पेशेंस धारण कर ली सुन करके और आपको याद आ गया वो, लेकिन अगर आप भूल गए पूरे दिन और आप लग गए उनको चेंज करने में, आपको क्रोध आ गया, आपको इरिटेशन हुई, फ्रस्ट्रेशन हुई, फिर जाके रात को याद आया, अरे आज तो परमात्मा ने कहा था कि हर आत्मा का पार्ट अपना है, मैं क्यों ज़बरदस्ती किसको चेंज कर रही थी, ये कर रहा था, मुझे तो संयम रखना चाहिए था, मुझे उनसे प्यार से बात करनी चाहिए थी, और आपने पाप कर्म जोड़ लिए वो याद ना होने के कारण, क्रोध का पाप कर्म, इरिटेशन का पाप कर्म, दूसरी आत्मा को दुख देने का पाप कर्म, और अपने संबंधों में दूरी ले आए आप, तो क्या फ़ायदा हुआ, कोई फायदा नहीं। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं, उन्हें समय पर कार्य में लगाओ तो वरदान कायम रहेंगे। वरदान के बीज को फलदायक बनाने के लिए उसे बार बार स्मृति का पानी दो, मतलब दिन भर, यानी कि आपने अभी सुन लिया ये और फिर रात भर आप भूल गए, दिन भर आप भूल गए, उसको बीच बीच में सिचुएशन आती तो याद करो उसको, हाँ आज ये कहा था, अगर ऐसी सिचुएशन आती तो मैं इसको इस तरीके से प्रैक्टिस करूँगा। वरदान के स्वरूप में स्थित होने की धूप दो, जैसे अभी ये सामने धूप है, कि अगर धूप चली जाती है ठंडी लगती है, अगर ये धूप रहती तो अपना आराम से हमें गर्म फील होता है। तो परमात्मा का ज्ञान भी हमें सुकून देता है, हमारे दिल को गर्म करता है और बुद्धि को नरम करता है, लेकिन अगर हम वरदान भूल जाएं तो अंदर हम आत्मा भी ठंडे पड़ जाते हैं, औरों के साथ में रिलेशनशिप भी ठंडा हो जाता है, अपने साथ संबंध ठंडा हो जाता है, बुद्धि में टेंशन होती हैं, ठंडी हो जाती बुद्धि, हाथ पैर भी ठंडे होते हैं। तो ज़्यादा सोचने वाले के हाथ पैर ठंडे होते हैं और कम सोचने के वाले के हाथ पैर गर्म रहते हैं, वार्म रहते हैं, वार्म हार्टेड कहते हैं उसको। तो वार्म हार्टेड बनना है अगर आपको, तो आपको वरदानों को इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो परमात्मा कहते हैं, तो एक वरदान अनेक वरदानों को साथ ले आएगा और फल स्वरूप वरदानी मूरत बन जाएंगे। तो आपने सीखा कि हाँ, हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है, मुझे किसी की बुराई ना सुननी है ना किसी की बुराई करनी है, क्योंकि मेरी शांति सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मेरा मन का सुकून सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैंने किसी की बुराई देखी तो मेरा मन अपवित्र होगा और मेरे में अशांति आएगी। ये सोचते ही आपने क्या फील किया, आपके अंदर पेशेंस आ गई, आपके अंदर प्योरिटी आ गई, आपके अंदर टॉलरेंस आ गई, मतलब सहन शक्ति आ गई, और आपका सबके साथ संबंध जुड़ गया। कितने सारे वरदान मिल गया आपको केवल एक वरदान से, कि औरों की ना बुराई देखो ना बुराई का उसका वर्णन करो किसी को, और अगर आपको कोई बुराई सुना रहा हो वहाँ से दूर हो जाओ, या अगर इतनी शक्ति है तो वो जो सुना रहा है बुराई किसी और व्यक्ति की, जिस व्यक्ति की बुराई सुना रहा है उसके बारे में आप उसको महिमा कर दो और उसको चुप कर दो, ये भी तरीका है। तो कितनी सारी चीज़ें होगी एक साथ,
इसलिए परमात्मा कहते हैं तो एक वरदान अनेक वरदानों को साथ में ले आएगा और फलस्वरूप वरदानी मूर्त बन जाएंगे। जितना वरदानों को समय पर कार्य में लगाएंगे उतना वरदान और श्रेष्ठ स्वरूप दिखाता रहेगा। आप भी खुश, आप भी श्रेष्ठ, आपकी बुद्धि भी श्रेष्ठ, सुकून भी, और आप इनको यूज़ करते रहें तो आपका दिन बहुत सुख शांति से बीतेगा। और ये वरदान हैं क्या, ये आते कहाँ से हैं, इसके लिए आपको परमपिता परमात्मा के ईश्वरीय विश्वविद्यालय ब्रह्म कुमारी में आकर के 7 दिन का कोर्स करना बहुत ज़रूरी है। आज का दिन आपको शुभ हो, इसके साथ ओम शांति।